हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं फिरोज, रिपेयर गुरुजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको ये जो वॉशिंग मशीन देख रहे हो इसका गियर बॉक्स बदलना सिखाऊंगा कि वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स कैसे बदलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सबसे पहले पल्सीटर खोलना होता है, कैसे चेक करना गियर बॉक्स खराब है। ये मशीन जब चलती है ना तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। अगर मशीन आवाज़ बहुत ज़्यादा ही कर रही है तो आप देख के आवाज़ से समझ जाओगे कि हाँ, इससे गियर बॉक्स से आवाज़ आ रही है और पुली में बहुत ज़्यादा प्ले हो जाती है। गियर बॉक्स चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसके बैक साइड के ढक्कन को खोल लेंगे। ये वाला ढक्कन खोलेंगे सबसे पहले। देखिए, अगर पेच लगे हैं तो इसके अंदर से पेच खोल लें, या तो फिर अगर पेच नहीं है तो इसी तरीके से खोल दें। अब आपको यहाँ पर देखना, ये देखिए गियर बॉक्स इसका, और आप गियर बॉक्स देखिए, पुली जो है एक साइड से गियर बॉक्स में चिपक गई है। मैं सही से दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। जो पुली है वो एक साइड से चिपक गई है गियर बॉक्स में, मतलब एकदम ख़राब हो चुका है ये गियर बॉक्स। बैलेंस देखो किस तरीके से, इस साइड से देखो एकदम चिपकी हुई पुली, दूसरी साइड से उठी, मतलब एकदम बेकार हो चुका है ये गियर बॉक्स। तो इसे खोलने के लिए, बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन की तली खोलनी पड़ेगी। कुछ मशीनों में तली खोलनी पड़ती है, कुछ में नहीं खोलनी पड़ती। इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है कि इसका पूरा तली नहीं खोलना पड़ेगा। ऐसे ही बैक साइड से पेचकश डालेंगे, हम गियर बॉक्स को खोलेंगे और नया गियर बॉक्स सेट कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो बेल्ट है, बेल्ट वगैरह उतार देने हैं। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो बारीक बारीक सुराख है उससे पेचकस हम डालेंगे यहाँ से। दोस्तों सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसका जो पल्सीटर है, पल्सीटर का जो नट है, नट को खोलेंगे। उसके बाद में नीचे के पेच खोलने हैं हमें। पहले नीचे के पेच नहीं खोलने, पहले इस नट को खोल लेना है, पल्सीटर के नट को, और पल्सीटर को बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो मैं फटाफट ये कर देता हूँ। अगर पल्सीटर नहीं भी निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नट जरूर खोल लेना आप। कभी कभी पल्सीटर बहुत जाम होता है, इसमें तो निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं पल्सीटर का नट खोल के और पल्सीटर को निकाल देता हूँ इसके अंदर से। फटाफट कर लें ये काम, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इस तरीके से पकड़ोगे पल्सीटर, ये देखो हाथ में आ गया। अगर आप चाहो तो मशीन की सर्विस भी कर सकते हो। अगर कस्टमर ने बोला है, उसने चार्ज दिया है, तो सर्विस कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती है सर्विस करने की। अगर कस्टमर मना कर रहा, नहीं हमें सर्विस नहीं करवानी है, सिर्फ गियर बॉक्स चेंज कर दो, तो आप सिर्फ गियर बॉक्स भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो वार्सल वगैरह है, गियर बॉक्स के ऊपर वार्सल होता है पल्सीटर के नीचे, इस वार्सल को हटा दे। और ये देखो ये लंबा पेचकस है, बैक साइड से लंबा पेचकस लो, डालो और गियर बक्से के पेच खोलते हुए चले जाओ। उससे पहले आपको इसके गियर बक्से के ऊपर जो बेल्ट चढ़ी होती है मोटर और गियर बॉक्स के ऊपर, वो बेल्ट हटा देनी। अंदर थोड़ा सा अंधेरा है, दिखाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है दोस्तों, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि आपको सही से समझ आ जाए। देखो इस तरीके से बेल्ट पकड़ना है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, और नीचे की तरफ दबाना है बेल्ट को और पुली को घुमा देना है। बहुत आसानी से आपकी जो ये बेल्ट है, बेल्ट निकल जाएगी। ये देखो, ये देखो नीचे की तरफ दबाया, अब घुमा देना है आपको, और ये देखो आपकी बेल्ट निकल गई है बहुत ही आसानी से। जब बेल्ट हटा दो, ये देखो इस तरीके से घुमाते चले जाओ और आपकी ये बेल्ट जो है पूरी निकल जाएगी, हट जाएगी। अगर बेल्ट के टुकड़े हैं, मतलब टूट गई है कई जगह से, तो आप बेल्ट बदल दो, वरना बेल्ट बदलने की ज़रूरत नहीं होती है अगर टूटी हुई नहीं है। और बाकी ये जो गियर बॉक्स के पेच है, ये पेच खोल लो। तो फटाफट इन पेचों को मैं खोलता हूँ। ये देखो बेल्ट मैंने निकाल दिया है, आगे का दिखाता हूँ आपको। ये देखो पुली, देखो किस तरीके से पिले है, एकदम ख़राब हो गया गियर बॉक्स, एकदम थर्ड क्लास बन गया। इतना यूज़ करा कस्टमर ने, इतना यूज़ करा है कि एकदम बेकार हो गया। यहाँ से पेचकश डालेंगे तली से और सारे पेच खोलते हुए चले जाएंगे फटाफट। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बैक साइड से पेचकश डालना है और पेच को खोलते हुए चला जाना है। थोड़ी थोड़ी दूर से आप अपने हिसाब से सेट कर लो कहाँ पर पेचकश घुसाना पड़ेगा, तो कौन सा पेच खोलना है। तो इस तरीके से पेचकश पीछे से डाल डाल के, और आप पाँच या छः पेच का होता है, कोई पाँच, ये छः पेच का है, कोई पाँच पेच का होता है, ये पेच आपको सारे के सारे खोल लेने हैं। जैसे आप पेच खोलोगे, फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। बस पीछे से पेचकश डालो, फटाफट सारे पेच खोल लो, जैसे मैंने एक खोल के आपको दिखाया है। आइए आगे का दिखाता हूँ आपको। इसके पेच नहीं खोने चाहिए, अगर पेच खो जाते हैं तो ये पेच जल्दी मिलते नहीं है और काफ़ी परेशानी होती है। तो कोशिश करें पेच ना खो और सही तरीके से हिफाजत से इन्हें रखें आप। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से सारे पेच खोल लेने, एक एक करके मैंने सारे पेच यहाँ पे खोल दिए हैं, तीन या चार पेच खोल दिए हैं, दो पेच और खोलने हैं। वो खोलने के बाद में मैं गियर बक्से को निकालता हूँ और नया गियर बक्सा इसके अंदर आपको लगा के दिखाता हूँ फटाफट। छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर किसी मशीन का आप गियर बक्सा चेंज करते हो ना, तो कम से कम 400 से 500 रुपए इजीली कमा सकते हो। अभी मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि ये गियर बक्सा कितने रुपए का आता है वॉशिंग मशीन का होलसेल में, और कस्टमर को हम कितने रुपए का लगाते हैं गियर बक्सा, और सर्विस चार्ज कितना रुपए लेते हैं। तो फटाफट इससे पहले मैं खोल लेता हूँ जितने पेच है सारे पेच। ये देखिए दोस्तों, हमारा गियर बक्सा के सारे पेच हमने खोल दिए, छः के छः पेच। अब हम गियर बक्सों को कैसे निकालेंगे, आप ये चीज़ देखो।
एक पेचकस लेना है आपको और इस तरीके से पीछे की तरफ ढकेलना गियर बक्से को। ये देखो, ये देखो, हाथ से कभी कभी अपने आप गिर जाता है, कभी कभी नहीं निकलता है, बॉन्ड लगा होता है ऊपर के हेड में। ये देखो आपका गियर बक्सा निकल गया। अब मेन कलाकारी इसे बाहर निकालना, अगर स्पेस कम हुआ तब भैया पूरी तली खोलनी पड़ेगी। देखो जैसे मैं निकाल रहा हूँ तो निकल नहीं रहा जल्दी, इधर उधर मैं घुमा रहा हूँ, हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, बाहर आ जा नहीं आ रहा। लेकिन एक अभी मौका ऐसा आएगा कि ये गियर बक्सा बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा, हमें पेच वगैरह तली के नहीं खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते जाओ आप किस तरीके से निकाल रहा हूँ मैं। एक दो बार तो मेरे हाथ से ये छूट भी जाता है, नीचे गिर जाता है तली में, लेकिन भाई कोशिश जारी रखता हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है ये निकल जाएगा। अब ये देखना भी, उसके बाद कुछ नहीं करना है, नया गियर बक्सा लेना, कैसे टाइट करना भी बताता हूँ, एकदम सिंपल एकदम आसान। ये देखो लग तो रहा है निकल जाएगा, अभी कहीं फंसा हुआ है ये। ये देखो ये चीज़ फंस जाती है यहाँ पर, ये चीज़ नहीं निकल पा रहा गियर। अब पुली खोलने या फिर हम पहले पुली में, लेकिन इतना ज़्यादा जंग लगी हुई कि पुली खुलने को तैयार नहीं होगी, बहुत जंग लगी हुई, तो ये ऐसे ही निकाल देंगे हम। ये देखो ए निकला, कोशिश तो कर रहे हैं पूरी निकालने की भाई, देखते हैं निकलता है नहीं निकलता, वैसे निकल जाएगा। ये देखो पहले ही देख लिया था मैंने कि इतने स्पेस में ये गियर बक्सा निकल आएगा, इसीलिए इसकी तली को नहीं खोला था मैंने। देखो आप इस तरीके से फंस जाता है जल्दी निकल। ये देखो यहीं पे फंसा हुआ है, यहीं पे फंस रहा है, ज़्यादा ताकत लगा नहीं सकते। ये देखो हल्की सी ताकत लगाई और गैस वाला खटाक से बाहर आ गया गियर बॉक्स हमारा। अब नया गियर बॉक्स इसके अंदर लगाएंगे, सेम गियर बॉक्स यही वाला लगाऊंगा मैं जो है इस दिखा निकला हुआ है, इसके अंदर सेम पुली होनी चाहिए और सेम गियर बॉक्स होना चाहिए। आप कहीं भी गियर बॉक्स खरीदने जाओ तो ये चीज़ देख लेना कि पुली भी सेम हो और गियर बॉक्स भी सेम हो। ये देखो सेम गियर बॉक्स तो हमें मिला था, लेकिन उसकी पुली छोटी साइज़ की थी जो कंपनी के साथ लग के आती है। ये गियर बक्सा तो सेम है लेकिन पुली छोटी ये लगी हुई थी, तो हम इसके अंदर ये पुली ना लगा के, क्योंकि हमें तो बड़ी पुली की ज़रूरत है, तो हम बड़ी वाली सेम पुली जो इसमें लगी हुई इसी तरीके की हमारे पास में पुली अलग से है, तो हम वो पुली लगाएंगे। आपको दिखाते हैं वो पुली। सबसे पहले आपको क्या काम करना, ये देखो आपको ये साफ्ट भी नाप लेनी है गियर बक्से की। देखो मैं साफ्ट नाप रहा हूँ, एकदम सही, एकदम सेम टू सेम है ये गियर बॉक्स, तो हम ये गियर बॉक्स लगाएंगे। अब बात करते हैं गियर बॉक्स हमें मिलता कितने रुपये का है। ये गियर बॉक्स अगर आप अपने एरिया में कहीं होलसेल की दुकान पे जाओगे तो 300 से 350 रुपये में इजिली मिल जाएगा। ये वाली पुली हम लगाएंगे सेम साइज़ की, और आराम से कस्टमर को आप 500 रुपये का गियर बॉक्स सर्विस वो लाने का चार्ज मिला के और 300 रुपये 400 रुपये सर्विस चार्ज के टोटल आप 800 से 900 रुपये आसानी से कस्टमर से ले सकते हो। अब आइए फटाफट क्या काम करते हैं, पुली को गियर बक्से के अंदर टाइट कर लेते हैं सबसे पहले हम, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने पुली को सेट कर दिया गियर बक्से के अंदर, और इसी तरीके से थोड़ा सा लूज करके हिलाएंगे और हमारा गियर बॉक्स अंदर चला जाए एक बार, फिर सेट करके हमें पेच टाइट कर देना, एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले हमें किस तरीके से हिलाना है आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, जो कि अंदर चला जाए गियर बॉक्स। ये देखो बहुत आसानी से चला जाएगा, ऐसा नहीं बहुत परेशानी होगी, अंदर नहीं जाएगा जैसे निकला नहीं था। थोड़ा सेटिंग सही से रखो इसकी, देखो ये देखो अंदर गिर गया ना हमारा। अब इसको जैसे खोला था हमने, अब इसे जैसे हमने खोला था, जिस तरीके से हमने पेच टाइट करे थे खोले थे, उसी तरीके से इसे रखना है, सिंपल एकदम। कोई सा नट कहीं पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है जो कैसे लगेगा कौन सा कैसे सेट करें, आप रखोगे सारे पेच सेट हो जाएंगे। आपको फटाफट इसके सारे पेच जो हैं, जैसे हमने बैक साइड से पेचकस डाल के पेच खोले थे, उसी तरीके से बैक साइड से पेचकस डाल के आपको इसके पेच टाइट कर देने हैं, एकदम सिंपल है। और आपका गियर बक्सा लग गया, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, और आप आराम से 300 से 400 रुपये 500 रुपये कस्टमर से कमा सकते हो। वॉशिंग मशीन अगर रिपेयरिंग करना चाहते हो तो इस तरीके से गियर बॉक्स बदल सकते हो आप लोग दोस्तों। बाकी आप लोग बताएं, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है, ये देखो हमने एक एक करके सारे पेच टाइट कर दिए और हमारी सही तरीके से गियर बक्सा लग गया, अब इस पर हमें बेल्ट चढ़ा देना है। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आप वीडियो में कमेंट करो अगर कुछ समझ ना आया हो। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक।